क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का 4-digit जनरल इंश्योरेंस में 2.5 करोड़ का निवेश 300% बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। गुरुवार को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होते समय 4-digit के शेयर 300 रुपये पर शेयर के पार पहुंच गए थे। विराट कोहली और उनकी पत्नी जनवरी 2020 में 75 रुपये पर शेयर की कीमत पर 4-digit के 333,334 शेयर खरीदे थे। PNB घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी महल चौकसी ने मुंबई की एक अदालत से कहा है कि वो कुछ ऐसे चीज़ों के चलते भारत नहीं लौट पा रहे हैं जो उनके बस में नहीं है। चौकसी ने कहा है कि उन्हें भगोड़ा घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़े थे। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने 2000 से लेकर 2020 तक व्हाइट मैन और एशियन वुमेन की साप्ताहिक कमाई दिखाने वाली स्टडी ट्वीट की है। इसमें लिखा है, कभी आपने सोचे हैं जब वामपंथी नस्ल लिंग के आधार पर वेतन में असमानता को लेकर बोलते हैं तो एशियाई महिलाओं का उल्लेख क्यों नहीं होता है? एलन मस्क ने लिखा, एशियाई महिलाएं व्हाइट मैन से अधिक कमाती हैं इसलिए वामपंथी कभी बोलते नहीं हैं। BSE का सेंसेक्स एंड NSE का निफ्टी गुरुवार को क्रमशः 75,418 और 22,967.65 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। विशेषज्ञों के मुताबिक चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद। RBI द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ का लाभांश दिए जाने की मंजूरी और FII द्वारा धीमी बिकवाली किए जाने से इसमें तेजी आई है। IT कंपनी विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी को वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 6.40 करोड़ का पैकेज मिला जिसमें उनके वेतन एंड भत्ते शामिल है। इस दौरान विप्रो की CFO अपर्णा आयर ने कुल $223,043 की कमाई की। वहीं विप्रो के तत्कालीन CEO थियरी डेलापोर्ट ने वित्त वर्ष 2023-24 में $20 मिलियन से भी अधिक कमाई किए। वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े के मुताबिक टाटा ग्रुप के जुड़ियों ने हर मिनट में 90 टी-शर्ट और हर 60 मिनट में 20 डेनिम बेची है। जुड़ियों ने वित्त वर्ष 2024 में 46 शहरों में अपने स्टोर खोले जिससे उसकी स्टोर की संख्या बढ़कर 545 हो गए हैं। आपको हम बता दें, जुड़ियों को 2016 में भारतीय बाजार में पेश किया गया था। 4 मई को प्याज के निर्यात के ऊपर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भारत ने 45,000 टन से ज़्यादा प्याज का निर्यात किया है और ज़्यादातर प्याज पश्चिम एशिया एवं बांग्लादेश से भेजे गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 पर टन तय किया है। आपको हम बता दें, दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। ब्लूमबर्ग के अनुसार वॉल्ट डिज्नी ने टाटा प्ले में अपनी करीब 30% हिस्सेदारी $1 बिलियन के मूल्यांकन पर टाटा ग्रुप को बेचने का फैसला किया है। डिज्नी से हिस्सेदारी खरीदने के बाद टाटा ग्रुप का टाटा प्ले पर पूर्ण नियंत्रण होगा। इससे पहले डिज्नी ने अपनी भारतीय इकाई को बायकॉम 18 मीडिया के साथ विलय करने को लेकर समझौता किया था। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम के उल्लंघन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली लिंक्डइन इंडिया और 8 अन्य लोगों पर 27.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लिंक्डइन इंडिया पर 7 लाख और नाडेला पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। द इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक 1000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रही है। द इंफॉर्मेशन ने कंपनी के कर्मचारियों के हवाले से बताया है कि छटनी से कंटेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कर्मियों को प्रभावित होने का अनुमान है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए।